एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव साइमा। फ्रेंड्स, अभी ईद का त्यौहार करीब आने वाला है और ईद में हम लोग अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को गिफ्ट देते हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं जिसमें मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह से गिफ्ट हैम्पर को घर में ही पैक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को गिफ्ट दे सकते हैं। यहाँ तक कि जो नई मैरिज हुई है लड़कियों की, उनके मायके से उनके लिए ईदी आती है, तो क्यों ना हम उन गिफ्ट को घर में ही पैक। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग ईदी पैक करते हैं। इसके लिए मैंने DIY किया है, ये एक ब्यूटीफुल सी बास्केट। इसका वीडियो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम गर्ल्स को क्या क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये कॉटन का अनस्टिच ड्रेस, क्योंकि ईद गर्मी में पड़ रही है तो मुझे लगा कि एक सिंपल ड्रेस भी ज़रूर देना चाहिए। अनस्टिच ड्रेस देने का फ़ायदा ये होता है कि लोग उसे अपने अकॉर्डिंग स्टिच करा सकते हैं, तो आप इस ईद पर एक सिंपल ड्रेस भी ज़रूर गिफ्ट करें। इसके बाद मैंने लिया है डार्क ब्लू कलर का शरारा ड्रेस, बहुत ही अच्छा लगता है ये रात के टाइम जब ईद की दावत होती है। ज़्यादातर लोग हैवी ड्रेस ही पहनते हैं, तो आप इस तरह से एक हैवी ड्रेस भी गिफ्ट कर सकते हैं ईद पर। फ्रेंड्स, वैसे गर्ल्स के लिए इतने सारे गिफ्ट आते हैं कि आप जितने भी गिफ्ट दो कम होंगे। तो मैंने लिया ये न्यूट का एक आई शेडो पैलेट, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं आई शेडो के, तो आप ये भी दे सकते हैं। साथ ही साथ मैंने लिया ये नेल पेंट, क्योंकि जो मैंने ड्रेस लिया है इसमें यही तीन कलर थे, तो मैंने इन तीन कलर को ले लिया मैचिंग करता हुआ इस ड्रेस के साथ। आप भी जो ड्रेस दें उससे मैचिंग करते हुए नेल पेंट्स दे सकते हैं। साथ में आप दे सकते हैं परफ्यूम, क्योंकि गर्ल्स को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं परफ्यूम। और आप बैंगल्स भी गिफ्ट कर सकते हैं, मेरे पास ये रेड कलर की बैंगल्स हैं। इसको पैक करने के लिए आप इस तरह का एक प्लास्टिक का बॉक्स ले सकते हैं, ये मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाता है। या जैसे आप कड़े वगैरह लेकर आते हैं तो कड़े इसी बॉक्स में पैक होकर आते हैं, तो आप इसमें बैंगल रख सकते हैं। इससे ये सेफ़ भी रहेंगी और एक जगह पर आप बहुत अच्छे से इसको डेकोरेट कर देंगे। साथ ही साथ आप दे सकते हैं फाउंडेशन, क्योंकि गर्ल्स को मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक होता है। फ्रेंड्स, आप ईदी और गिफ्ट पैक में रख सकते हैं बहुत सारा आई मेकअप। तो मेरे पास है ये हुडा का वाटरप्रूफ आईलाइनर, मैं इसको भी इस किट में रख रही हूँ। साथ ही साथ आप दे सकते हैं बहुत सारी ज्वेलरी, इसके लिए मेरे पास ये एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स है। आप चाहे तो आप मार्केट से भी इसको ले सकते हैं अगर आपके पास ना हो, और आप इसमें पैक कर सकते हैं बहुत सारी ईयर रिंग्स। मैंने ये गोल्डन कलर की ईयर रिंग ली है, क्योंकि जो शरारा है उसमें गोल्डन कलर का काम बना हुआ है, तो ये ज्वेलरी उसके साथ बहुत अच्छी लगेगी। साथ ही साथ मैं ले रही हूँ ये मल्टी कलर के इयर रिंग, क्योंकि एक सिंपल ड्रेस भी हमने दिया है तो उसके साथ ये इयर रिंग बहुत अच्छी लगेगी। एक इयर रिंग और है जिसमें ये रेड कलर की मोतियाँ लगी हुई हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे इयर रिंग और ज्वेलरी भी गिफ्ट में रख सकते हैं, ये भी गर्ल्स को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अभी मैं बॉक्स में थोड़ा सा सामान अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा और स्पेस बनाना है इसमें कुछ और गिफ्ट पैक करने के लिए। तो इसके बाद मैं इसमें रख रही हूँ एक मेहंदी का कोन, क्योंकि बिना मेहंदी के तो देखो ईद अधूरी सी लगती है। तो जब भी आप पैक करें गिफ्ट, तो उसमें एक मेहंदी का कोन ज़रूर रखें। ये मेरे पास एक सिल्वर कलर का कड़ा, तो मैं इसको भी इस पैकेट में रख रही हूँ, पैक कर रही हूँ मैं इसमें। साथ ही साथ है ये मेरे पास एक बेल्ट, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, तो आप बेल्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि गर्ल्स को ड्रेसेस के साथ बेल्ट लगाना बहुत पसंद होता है। आप सिल्वर, गोल्डन, किसी भी कलर की बेल्ट गिफ्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा गिफ्ट हैम्पर रेडी हो चुका है, और वैसे इसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं, जैसे आप पैक कर सकते हैं इसमें चॉकलेट और कुछ ड्राई फ्रूट, पर मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको दिखा सकूं कि आप ईदी में क्या क्या गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।